धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र में बनने जा रहे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए जो भूमि अधिग्रहण की गई, आज जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासनिक अमला उस पर मिट्टी परीक्षण के लिए पहुंचा। वहीं मौके पर मौजूद किसान और प्रशासनिक अमले के बीच 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा। प्रशासनिक अमला और किसानों के बीच मौके पर घंटों तनातनी चलती रही। किसानों की मांग थी कि उन्हें लिखित रूप से दिया जाए कि अधिकारी भूमि पर कब्जा लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मिट्टी परीक्षण के लिए आए हैं। वहीं किसान नेता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लंबी बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकला, तो गेहूं की खड़ी फसल पर जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने पुलिस बल के साथ मिट्टी परीक्षण के लिए जेसीबी चलवा दी। इस बात से नाराज किसान जेसीबी के सामने लेट गए। वहीं मौके पर हालत बिगड़ते देखकर जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ वापस लौट गया। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। धार से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। जी बताएं, आज प्रशासन की कार्रवाई हुई है, क्या थी पूरी कार्रवाई और क्या मांगे हैं आप लोगों की? पहले तो प्रशासन ने जो है बिना हमको सूचना दिए यहाँ मौके पे प्रशासन आया, तो उसके विरोध में हम आए। जो हमारी ज़मीन पे कब्जा करने के लिए आए थे, वो कब्जे के मकसद से आए थे और हमको पहले कोई सूचना भी नहीं दी गई है, कोई नोटिस वगैरह भी नहीं दिया। और जो ज़मीन अधिग्रहण की प्रोसेस है उसमें किसानों की कोई सहमति भी नहीं ली गई और उसी के हम विरोध में, हम भी उनके विरोध में यहाँ आके खड़े हुए। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारी जो फसलें हैं उन पर बुलडोजर चलाए और किसानों को भी उन्होंने सावधान किया है कि आप को भी हम अगर धन मारने कूटने की अगर नौबत आती है तो हम वो भी करेंगे। आप कानून में हाथ में ले रहे हैं। हम किसान हैं, कृषि प्रधान देश है और हम हमारी जगह पर बैठे, हमारी खेती में बैठे हुए हैं और फिर भी वो हमको बोल रहे हैं कि आप कानून हाथ में ले रहे हो। ज़बरदस्ती उन्होंने पुलिस बल के साथ में हमारे खेतों में घुसा दिया बुलडोजर और हमारी फसल का नुकसान भी करा है और हमको धमकियाँ भी दी है कि आपको कानून के तहत आपके केस बनाए जाएंगे और आपको अंदर किया जाएगा। किस लिए आपकी भूमि मांगी जा रही है? कोई परियोजना है उनकी जिसकी हमको कोई जानकारी नहीं है किस परियोजना में ली जा रही है। और मुआवजा है जो बाजार मूल्य से बिल्कुल कोड़ियों के दाम दिया जा रहा है, जो किसानों को मंजूर नहीं है। और हम किसान किसी भी कीमत पर ज़मीन देना नहीं चाहते, चाहे मरना पड़े हमको। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन है कि जो आज हमारे साथ कृत्य हुआ है उस पर ठोस कदम उठाया जाए और अधिकारियों और पुलिस के खिलाफ ठोस से ठोस कदम जल्दी से जल्दी उठाए जाएँ। अशोक रघुवंशी, किसान। मतलब किसान क्यों मतलब आंदोलन कर रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं? जामोदी के किसानों की एक ये मांग है कि उनकी गाइडलाइन कम है और जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में अकोलिया, सागौर और खेड़ा के लोगों को जिस दर से मुआवजा मिल रहा है उसी दर से उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रशासन की मजबूरी है कि गाइडलाइन ही जो है जामोदी की जो है वो कम है और उसमें इस स्टेज पे कुछ नहीं किया जा सकता। तो आज हम लोग इसलिए आए थे कि आपके माध्यम से सब तक ये बात पहुँचे कि 3 अक्टूबर को अवार्ड पारित हो चुका भूभाजन का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय की महत्वाकांक्षी योजना है। अब 3 अक्टूबर से, आज हम फरवरी में हैं, 4th महीना चल रहा है, जामोदी वाले रेफरेंस में भी नहीं गए, किसी न्यायालय में नहीं गए। तो ऐसी स्थिति में हमने उनसे यही कहा कि आप रेफरेंस में जाइए, यदि आप मुआवजा और कंपनसेशन से असंतुष्ट हैं तो आप धारा 64 जो है भूभाजन अधिनियम की उसके अंतर्गत जो है आप रेफरेंस में जाएं, ऊना जाएं। और ये चले गए हाईकोर्ट में तो माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी याचिका खारिज कर दी है। तो आज की स्थिति यही है जो मैं आपको बता सकता हूँ। सर, आज जो कार्रवाई की गई वो किस प्रकार थी? आज की कार्रवाई केवल सॉइल टेस्टिंग के लिए, चूँकि जब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा तो उसकी डिज़ाइनिंग के लिए जो कंपनी यहाँ पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बना रही है उसको अपने स्ट्रक्चर डिज़ाइन के लिए सॉइल की स्ट्रेंथ की आवश्यकता थी, तो उस मिट्टी परीक्षण के लिए उनको उनके हिसाब से इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो गूगल मैप के थ्रू उन्होंने अपने स्थान चिन्हित किए जहाँ से उनको मिट्टी चाहिए। किसी जगह पर 2.5 बाई 2.5 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर गहरा पिट चाहिए। कहीं कहीं जगह पर उनको 10 मीटर गहरा बोरवेल करके मिट्टी का परीक्षण करना है। इसके लिए यहाँ आए थे तो फसल लगी हुई थी, तो हमने किसानों से यही कहा कि ये यहाँ जो निराकरण करने हम आए हैं हमें सॉइल चाहिए और आप सॉइल दे दीजिए, लेकिन उनका विरोध था। सर, आज की कार्रवाई तो जो हो गई है उसके अब अगली जो है कार्रवाई क्या रहेगी? देखिए, किसानों के फसल वहाँ पर लगी हुई है और आज की परिस्थिति को देख करके वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श करके आगे की परिस्थिति तय की जाएगी। आपका नाम बता? मैं SDM पीतमपुर, शाश्वत शर्मा। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।